सिंबल कलर्स, जिसमें खास कलर जैसे नीला कलर रिप्रेजेंट करता है नदी को, ये सब चीज को हमें समझना चाहिए, समझने के लिए जरूरी होगा मैप, मैप समझने के लिए जरूरी होगा। ए मैप विदाउट सच इंफॉर्मेशन विल नॉट बी वेरी यूजफुल। इन सारी जानकारी के बिना हम मैप को पढ़ना मुश्किल होता है, वही कह रहा है। ए मैप विदाउट सच इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के बिना विल नॉट बी वेरी यूजफुल, कोई भी मैप बनाना सदुपयोगी नहीं होगा। पहले आता है, अब मैप को पढ़ने के लिए नेक्स्ट आता है डायरेक्शन। सबसे पहले हमको मैप पढ़ने के लिए, जैसे अब हम किस डायरेक्शन, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, तो हम लोग को डायरेक्शन यानी दिशा की भी जानकारी होना चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए सबसे पहले ये जानना चाहिए कि चार डायरेक्शन होता है। तो सबसे ऊपर में नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सबसे ऊपर में आता है नॉर्थ, फिर आता है साउथ, फिर ईस्ट और वेस्ट, मतलब हमारे राइट हैंड के तरफ ईस्ट और लेफ्ट हैंड के तरफ वेस्ट। तो मैप में भी उसी तरह होगा। मैप में सबसे ऊपर हम लोग समझेंगे, जानेंगे कि ऊपर में अगर पॉइंट से ऊपर कोई भाग है तो वो है नॉर्थ का, पॉइंट से नीचे साउथ का, और पॉइंट से इधर ईस्ट का, और पॉइंट से इधर वेस्ट का, वेस्ट है। सारी चीजें को क्या करते हैं, मैप पे एक मैप
मैप पे तो छोटा सा बुक रहता है, उस पर हम दिखा नहीं सकते। उसके लिए हम एक यूनिट चुनते हैं, वो यूनिट हमें रिप्रेजेंट करता है कि हाँ ये इतना बड़ा भाग है, उसको हम लोग स्केल करते हैं। यानी कि जिस उस बड़े भाग को छोटे रूप में बताना स्केल कहलाएगा। ऑन मैप वन विल फाइंड ए रूलर लाइक सिंबल, जैसे कि हम लोग एक पैमाना लेते हैं, रूलर लेते हैं एक सिंबल के रूप में, मतलब वो मेरा सिंबल है। इट इज द स्केल ऑफ मैप, जिसको कि हम लोग मैप का पैमाना कहते हैं। मैप स्केल आर रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन लैंड एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। अब ये पैमाना क्या आता है, वो एक रेशियो रहता है। जैसे कि हम किसी एक एक जगह को दूसरे जगह के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर किस तरह कर रहे हैं, इसको हम लोग स्केल के द्वारा नापते हैं। तो वही कर रहा है मैप स्केल के रेशियो, ये एक अनुपात होता है बिटवीन द डिस्टेंस और दो देश दो लैंड के बीच के दूरी को, जिस मतलब हम यहाँ से और कॉरेस्पॉन्डिंग लैंड के बीच के दूरी को किस रेशियो में रखते हैं, किस अनुपात में ले रहे हैं, उसको हम लोग स्केल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड दिल्ली इज 1409 किलोमीटर। जैसे कि एक उदाहरण के जैसे समझिए, मुंबई और दिल्ली के बीच की दूरी है 1409 किलोमीटर। तो इस चीज को हमको मैप पे बताना संभव नहीं है कि इतना से इतना के बीच में दूरी है। इट इज नॉट पॉसिबल टू शो सच ह्यूज डिस्टेंस एग्जैक्टली ऑन ए मैप। इस पूरे दूरी को हम लोग एग्जैक्ट मैप पे बताएं, एकदम सही सही मैप पे बताएंगे हम लोग नहीं कर सकते हैं। सो वी चूज ए स्मॉलर यूनिट टू डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस ऑन ए ग्राउंड। इसके लिए जैसे 1000 को हम लोग 1000 किलोमीटर को हम लोग 100 या 10 किलोमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस तरह को हम लोग एक यूनिट ले लेते हैं कि हाँ इस तरह मेरा यूनिट में एक काम होगा, और इसी के बाद मल्टीप्लाई करके हम इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को निकालते हैं। वही कह रहा है सो वी चूज, इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्मॉलर यूनिट, मतलब सबसे छोटी सी एक इकाई को टू डिनोट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस ऑन ए ग्राउंड। ग्राउंड के जो दो ग्राउंड के बीच के डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए हम लोग एक बहुत छोटी इकाई को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन रेशियो वन, जैसे वन रेशियो वन लाख, जैसे हम 1 लाख को अब 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसी को कन्वे किया गया। फॉर एग्जाम्पल 1 इसको कहा जाता है रेशियो 1 लाख कन्वे दैट 1 cm ऑन मैप इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। इस तरह बना दिए तो 1 सेंटीमीटर अगर हम मैप पे लिखते हैं तो इसका मतलब कि मैप पे अगर हम 1 cm लिखते हैं तो इसका मतलब 1 किलोमीटर होता है मैप पे। और रीड करने वाले को अब जैसे रीड करके हम मैप से रीड करके यहाँ से यहाँ सब चल रहा है, तो हम इसको सीएम नहीं मान करके उसको किलोमीटर मानेंगे, और उस अनुपात में उस दोनों देश के या कॉरेस्पॉन्डिंग प्लेस का दूरी निकाल पाएंगे। ऑन ए मैप आर ऑलवेज ड्रॉन टू स्केल, मैप जो है हमेशा स्केल यानी पैमाना से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैप समझने में। सो नेक्स्ट क्लास में